वेलकम टू बैक माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको हैंड मसाज करना बता रहे हैं कि हैंड पर मसाज हमको किस तरह से करनी चाहिए, उसके फुल स्टेप्स हैं। स्टेप बाय स्टेप हम डेमो में आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा। हम आपको स्टार्टिंग में बता दें कि मसाज हम किसी भी क्रीम से करें, ऑयल से करें या फिर एलोवेरा क्रीम आती है, मसाज क्रीम बहुत अच्छी है, स्किन भी अच्छी सॉफ्ट रहती है। तो हम हैंड मसाज में वही क्रीम लेंगे और उस क्रीम से आपको हैंड मसाज करके बताएंगे। मसाज करने से रिलैक्सिंग तो महसूस होता ही है, रिलैक्स फील होता है और इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है तो स्किन हमारी ग्लो करती है और स्किन टाइटनिंग भी हमको दिखती है। स्किन टाइट होगी तो अपने आप ही ग्लो आएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। रिलैक्स फील करते हैं जिसके भी मसाज करते हैं। तो ये मसाज के जो स्टेप हैं आप ध्यान से देखिएगा और हैंड मसाज करने का जो तरीका है वो आप वीडियो में देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए आप, और जो छोटी सी आइकन बेल है उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने से सबसे पहले आपके पास वीडियो, हमारा न्यू वीडियो जो होगा पहुंचेगा, जिसको आप अच्छी तरह से देख सकेंगे। और इसके साथ ही अगर हमारा वीडियो, अगर हमारा कार्यशैली, अगर हमारा ये प्रॉपर वे में करने का बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आते हैं हैंड मसाज पर। दोस्तों, हैंड मसाज हम चाहे किसी भी चीज से करें, चाहे तो हम क्रीम से करें, चाहे कोकोनट ऑयल से करें या फिर ऑलिव ऑयल से करें, करने का जो तरीका है वो सेम होता है। और ये देखिए, यहाँ हम आपको हैंड मसाज एलोवेरा क्रीम से, मसाज क्रीम जो होती है उससे करके बता रहे हैं। और क्रीम हमने अप्लाई की, गीला हाथ किया, और देखिए आप करने का तरीका ये है कि इस स्टेप से हमने क्रीम को फैलाया इस तरह से, और फैलाने के बाद में ये देखिए हम इस तरह से एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनका हमने इस्तेमाल किया है। आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ हमको पॉइंट्स को प्रेशर देके मसाज देनी है और कहाँ उसको लाइट छोड़ना है। आपको मसाज करने के अंदाज से पता चल जाएगा कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पूरा हैंड मसाज करके आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन हैंड मसाज से बढ़ता है और स्मूथनेस हैंड मसाज से आती है, और फिर जो हमारे बॉडी में डेड सेल्स की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमको डलनेस नज़र आती है, डलनेस दिखाई देता है स्किन पर भी फेस पर भी। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए हम मसाज देते हैं, और जो डेड सेल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और जीवित सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी बॉडी में डेड सेल्स घटते बढ़ते रहते हैं और इसी तरह से उनके प्रभाव और दुष्प्रभाव हमको नज़र आते रहते हैं। तो हमको इस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हम देखिए हैंड मसाज भी आपको इसीलिए करके बता रहे हैं जिससे कि आपको उसके बेनिफिट्स समझ में आ जाएं। सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे हैंड्स होते हैं और इसलिए इनको भी हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए फिंगर का है, फिंगर का स्टेप है, इस तरह से लॉगिंग एंटी लॉगिंग हमने किया और ये हथेली का इस तरह से प्रेशर देके हम पुश करते हुए मसाज देंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, और ये लेकिन आप ध्यान से देखिए, कोई कठिन स्टेप्स नहीं है, आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से आप अपने सेल्फ हैंड मसाज दे सकते हैं। ये जॉइंट्स का है प्रेशर,
ये इस तरह से जॉइंट्स में कोहनी में थोड़ा डलनेस आ जाती है, पेन भी होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए देखी। इस तरह से हमको ये स्टेप लेना है जिससे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो जाम ना हो जाएं। ये देखिए आप, स्किन को टाइट करने के लिए भी हम मसाज देते हैं, और जब स्किन टाइट होगी, रिंकल्स नहीं होंगे, तो अपने आप हमारे हैंड्स पर सुंदरता नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है, जो डलनेस हैंड्स पर आ गई है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। ये स्टेप्स हमने किया, और गीला हाथ हम बराबर लगाएंगे जिससे कि हमारा हाथ स्लिप होता रहे। हमको बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर इस तरह से नहीं देना है कि सामने वाले को बिल्कुल पेन होने लगे या सहन ना हो। हमको हैंड को स्लिप करना है। ये देखिए, वाइब्रेशन वाला है, इस तरह से हम वाइब्रेट करेंगे स्किन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी पेन होने लगता है, तो हमको इतना ही प्रेशर देना चाहिए जो सहन हो सके, और सॉफ्टली हम कराएंगे। वाइब्रेशन के बाद में देखिए हम स्किन को सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा हैंड मसाज करने का तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हैंड का ग्लो देखिए आप कितना ज़्यादा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।